अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लास आप सबको मेरी तरफ से ईद के मुबारक मौके पर ईद मुबारक। अल्लाह पाक हम सबको सही सलामत रखे, पूरी इंसानियत को इस मुहलिक बीमारी से महफूज रखे और पूरी इंसानियत को खुशहाल जिंदगी नसीब करे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी सेकंड। टॉपिक है मोतीगंज म्यूटनी। ये रुडयार्ड जो किपलिन ने लिखी है। हम देखते हैं कि हर जब हम जानवरों की बात करते हैं, ये मोतीगंज असल में एक एलिफेंट है। आप जानते हैं कि एलिफेंट्स जो हैं एनिमल्स की दो किस्में हैं, एक वाइल्ड हैं और कुछ डोमेस्टिक हैं या जिनको हम पेट भी बोलते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं हम जानते हैं कि ये जंगलों में होते हैं, ये जंगलों में ही अपना गुजारा करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, पालते हैं, वहाँ ही अपना किस तरह से नेचर में जाकर ये अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो कोई ह्यूमन बीइंग जो है इनका ख्याल नहीं करते हैं, तो ये माहौल में अपनी ग़िज़ा खुद हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। और पेट एनिमल्स जो हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, इनको हम पालते हैं, इनकी हम निगहदाश्त करते हैं, इनको हम दाना पानी देते हैं, इनको हम खिलाते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनके सेहत हेल्थ और हाइजीन का हम ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से ये राइटर जो है इस शॉर्ट स्टोरी का, यह है रुडयार्ड जोसेफ किपलिंग। ये असल में मुंबई में जब यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उसी दौर में यहाँ पैदा हुआ है। तो 1836 में इसकी ये जो है पैदाइश हुई है और 1965 में ये इस दुनिया से चल बसा है। इसने बहुत से शॉर्ट स्टोरीज नावल्स लिखी हैं। इसने नोबेल प्राइज़ भी जीता है लिटरेचर के लिए। ये सबसे पहला इंग्लिश लिटरेचर में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो यही जोसेफ किपलिंग है। और 1907 में इसको ये नोबेल प्राइज़ मिला है, इसीलिए ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है मोतीगंज। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ इस स्टोरी में, इस ये एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये एनिमल्स जो होते हैं ये भी किस तरह फील करते हैं, ये भी किस तरह अपने मालिक को पहचानते हैं, इनको भी अपने मालिक के साथ कितनी अफेक्शन होती है और ये कितना अपने मालिक का ख्याल रखते हैं और ये कितना अपने मालिक को पहचानते हैं। और जब इनका मालिक जो है इनसे दूर होता है तो ये कितना ये जो महसूस करते हैं, इनकी इनकी इस एब्सेंस को ये फील करते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे। और दूसरी बात यह है, इसमें सबसे बड़ा करेक्टर जो है वो इस मोतीगंज का है, जो असल में एक हाथी है, एलिफेंट है। तो दूसरा करेक्टर जो है इसका मालिक है, मास्टर है। और ये दो प्रोमिनेंट करेक्टर्स इसमें हैं। और हम देखते हैं कि इस स्टोरी में हमें ये भी पता चलता है कि जब इंसान के आदत, जब इंसान के अखलाक और इंसान के आदत ठीक नहीं होते हैं तो वो किस कदर गिर जाता है, तो वो किस कदर गलत काम करने से हिचकिचाता नहीं है, वो हेजिटेट नहीं करता है, किसी भी हद तक वो जाकर गलत काम करने का आदि हो जाता है। इसलिए जब इंसान के आदत अच्छे होते हैं तो उसको माशरे में भी इज्जत होती है, माशरा भी उसको ठीक अच्छी नज़र से देखता है। जब इंसान खराब ख्यालात, खराब आदत अतवार में गिर जाता है, मुबतला होता है, इन्वॉल्व होता है, तो फिर वो जो है वो अपनी ज़िंदगी को भी तबाह करता है
और अपने लिए वो जो है अपनी इज्जत भी खो जाता है। तो अब हम देखेंगे असल में ये मोतीगंज, असल में ये मोतीगंज जो है ये इस एलिफेंट का, इसका ये मतलब टाइटल है, क्योंकि ये सबसे अच्छा एलिफेंट था। ये एक प्लांटर था, एक प्लांटर था। जब यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी, यहाँ प्लांटेशन प्लांटेशन कॉफी प्लांटेशन होती थी, कॉफी कॉफी प्लांटेशन, यानी कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियल इंडिया में जब यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उस दौर में यहाँ क्या होता था, क्योंकि यहाँ इंडिया में स्पाइसेस निकलते थे और इन स्पाइसेस पर्टिकुलरली यहाँ टी निकलती थी, कॉफी, और इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। और अब जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स कहते हैं, वो बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स होते थे, मैनेजर्स होते थे, जो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते थे, फिर इस एरिया में कल्टीवेशन करते थे, इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते, स्पाइसेस भी ग्रो करते थे और ये टी कल्टीवेशन भी करते थे, और इनको हम कहते हैं प्लांटर्स। प्लांटर्स प्लांटर असल में बड़े फील्ड का एक मालिक होता था, जो मैनेज करता था इसको, जो यहाँ लेबर्स को हायर करता था और फिर यहाँ जंगलों को क्लियर करता था और फिर मजदूरों के जरिए से जंगलों को साफ करके यहाँ से ये कॉफी और दूसरे स्पाइसेस जिनकी डिमांड यूरोप में होती थी ये ग्रो करते थे। और अब हम देखते हैं प्लांटर, हम प्लांटर जो है ये एक कॉफी प्लांटर था, इसने बहुत से हाथियों को हायर किया था, यानी मजदूरी पर लगाया था, ताकि जंगलों को काटने के बाद जो जो हिस्सा दर्द का बाकी रहता है उसको हम स्टेम्प्स कहते हैं, स्टेम्प सिटम क्लियरिंग के लिए, सिटम क्लियरिंग के लिए दरख्तों को काटने के बाद जो स्टेम्प्स रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए, निकालने के लिए ये प्लांटर ने बहुत से हाथियों को, बहुत से मजदूरों को हायर किया था, मजदूरी पर लाया था और जमीन को साफ करने के लिए, ताकि इस पर कल्टीवेशन की जाए। और इसके लिए दिशा भी इन हाथी बानों के साथ, हाथी बान बान जो होता है, जो हाथी को कंट्रोल करता है, हाथी को चलाता है, उनको हम कहते हैं मेहाउट, मेहाउट यानी ड्राइवर, ड्राइवर ऑफ एलिफेंट, ड्राइवर ड्राइवर्स ऑफ एलिफेंट्स, यानी जो कंट्रोलर होते हैं हाथियों को, चलाते हैं इनको, इनको मतलब काम पर लगाते हैं और इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको हम मेहाउट कहते हैं, मेहाउट्स। तो अब इस प्लांटर ने बहुत से एलिफेंट्स को हायर किया था और इसमें से जो सबसे अच्छा था वो ये मोतीगंज था। ये मोतीगंज सबसे अच्छा एलिफेंट था, इसको असल में मोतीगंज पर्ल एलिफेंट, मोतीगंज का मतलब है, मोतीगंज पर्ल, पर्ल मीन्स वैल्यूबल, बहुत कीमती, बहुत ही लामिसाल, यानी एक नायाब चीज जिसको हम पर्ल कहते हैं। तो ये इसका टाइटल था क्योंकि ये सबसे अच्छा काम करता था। लेकिन इस मोतीगंज का मालिक जो था, इस हाथी का मालिक जो था, ये बहुत ही खराब था। हाथी तो बड़ा अच्छा था लेकिन इसका मालिक बहुत बुरा था। बुरा क्यों था? इसको शराब की आदत थी, ये शराबी था। अब जब ये मोतीगंज काम करता था, जब ये दीसा इसका मालिक है, मोतीगंज दूसरा है, दीसा इसका मालिक यानी ओनर इसका, या मास्टर हम कहेंगे, इसका मास्टर जो था, इसका ड्राइवर जो था, इसका नाम दीसा है। अब ये मोतीगंज बहुत अच्छा था, इसकी अच्छी खूबी थी, ये मालिक का बड़ा फरमाबरदार था, लेकिन मालिक इसका जो था ये भी इसका बहुत ख्याल रखता था, ये भी इसको बहुत ये इसको अपनी प्रॉपर्टी समझता था और ये इसका बहुत ख्याल रखता था। और
हर वक्त ये दिशा जो है, जब इस हाथी को काम पर लगाता था तो ये हाथी बहुत अच्छी तरह से काम करता था, बहुत खूब काम करता था। तो काम करने के बाद ये दिशा जो है दिन भर ये खूब अच्छी तरह से अपने मालिक के लिए काम करता था, और बड़े बड़े ट्रंक्स को इन स्टंप्स को निकाल निकाल बाहर करता था, दूसरे दूसरे हाथियों से बेहतर ये काम करता था। और इसका मालिक इसको बड़ी शाबाशी देता था और इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी निगाहबाज करता था। और जब काम के बाद ये इसको शाम के वक्त इसको दाना पानी अच्छी तरह से देता था, खाने को अच्छी तरह से देता, और इसको एक लिक्वर भी पिलाता था, यानी शराब भी इस हाथी को पिलाता था। और हफ्ते में एक बार ये इस हाथी को अपने दरिया में ले जाता था, और दरिया में लेकर फिर इसको ये धोता था। दरिया में लेकर फिर एक नशीब जगह पर, दरिया में जाके ये हाथी खुद ही नशीब जगह पर, जिसको हम हालो कहते हैं, शालो, तो वहां जाकर ये जो था, ये अपोजिट है डीप का, शालो। शालो मीन्स वो जगह जहां से इंसान आसानी से क्रॉस कर सकता है, जो ज्यादा गहरा नहीं होगा, तो इसका अपोजिट डीप है। तो ये दिशा, ये मोती का जो है, ये जाता था और पानी में हफ्ते में एक बार इसका मालिक इसको लेकर दरिया के पास लेता था, और वहां ये लेट जाता था। ये दिशा वहां लेट जाता था, और लेटने के बाद वो एक क्वायर स्वैब लेता था, और एक ब्रिक लेता था, एक ईंट लेता था, और इसके बॉडी को अच्छी तरह से पहले एक साइड में पूरी तरह से इसको रब करता था, ठीक तरह से। क्वायर स्वैब, यहाँ एक वर्ड जो हम आपको बताएंगे, ये क्वायर स्वैब क्या होता है। क्वायर असल में जो कोकोनट होता है उसके ऊपर जो वो हस्क होता है, वो जो बड़ी बड़ा हार्ड होता है थोड़ा, उसी का वो स्वैब, उसी का वो ब्रश बना होता है, जो एलिफेंट के लिए जो थोड़ा हार्ड होता है। और आपने तो वो नारियल देखा होगा जिसके ऊपर वो छिलका होता है, और वो छिलका जो है वो उससे वो रोप्स वोप्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉयर। वो बड़ी हार्ड होती है, और उसी का वो स्वैब बनाता था, उसी का वो ब्रश बनाता था, और फिर अपने इस हाथी को इसे रब करता था। और पूरी तरह से इस हाथी को रब करने के बाद, और इस ईंट से भी इसको अच्छी तरह से ये खुरचता था, इसको ये रब करता था, और हाथी बहुत आराम से पानी में बैठता था। और जब ये पूरी तरह से इसको मामूली इशारा करता था, तो हाथी को एकदम पता चलता था कि मैं अच्छी तरह से एक साइड इसका पूरी तरह से रब हुआ, सफाई इसकी हो गई। फिर हाथी खड़ा होकर दूसरी तरफ से ले करता था, लेटता था पानी में, और फिर दूसरी तरफ से दिशा इसको अच्छी तरह से इसको ये मतलब फिर इसको रब करता था, इसके इसके कानों को भी देखता था, इसकी बॉडी को भी पूरी तरह से रब करता था, हर हर जिस्म के हर एक हिस्से को अच्छी तरह से ये इंस्पेक्शन करता था, देखता था कि कहीं कोई जख्म नहीं, कहीं कोई कोई खराबी नहीं, तो अच्छी तरह से इसको साफ शफाफ उठाता था। फिर जब ये मुतमिन होता था, ये हाथी फिर खड़ा हो जाता था, और फिर अपने मालिक मालिक को लेकर अपने मालिक को लेकर तो फिर खुशी से ये हाथी जो है अपना ट्रंक जो है, इसका ट्रंक जो होता था उसमें एक लंबी वो जो है एक लंबी 12 फुट लंबी एक ब्रांच को उठाकर उसको उसको ये स्विंगिंग कर करके उसको घुमाता था, और घुमाते घुमाते चलता था, यानी वो खुश होता था, यानी खुश होता था, ये चलता था। और दिशा जो था वो अपने लंबे लंबे बालों को इनको नॉट करता था, यानी इनको पीछे से बंद करता था, और इस तरह से ये दोनों मालिक और ये हाथी जो है चलती थी। तो एक कभी कभी यह दिशा जब इसको अचानक काम के बाद अचानक अच्छा खासा पैसा ये कमाता था, और दिशा के पास सिर्फ यही एक हाथी था, और ये हाथी जो है ये इसकी यही प्रॉपर्टी थी, दिशा ही सिर्फ, और उसके घर में कुछ नहीं था, ये इसका सरमाया, इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो थी वो यही था, ये मोतीगंज ही था। और काम के बाद कभी कभी दिशा चूंकि एक शराबी था, जब कभी कभी इसको काम पर ये याद आता था, शराब शराब याद आता था, तो वो कभी कभी वो अपने इस हाथी को
अपने इस हाथी को शराब पीकर जब वो आता था और अपने हाथी को फिर उसको बड़ी और जो जो पैग होता था टेंट पैग और जहाँ जो एक नेल होता था उस नेल से अपने हाथी को जब उसका उसको शराब का नशा चढ़ता था इस हाथी को इस टेंट के पैग से इस बहुत बड़े जो खूंटा होता था जो जो आयरन का बना होता है बहुत लॉन्ग तकरीबन फीट 1.5 फीट वो खूंटा जो होता है जिससे टेंट को बांधा जाता है मजबूत करके रखा जाता है उसी टेंट पैग को निकालकर वो दिशा के 4 फीट को मारता था सामने वाले पैरों को मारता था उसके इसके इन ये जो इसके जो ये नेल्स होते थे टेंडर नेल्स यहाँ लिखा है वो टेंडर इसके नरम और नाजुक इन सामने वाले पैरों के इन नेल्स को वो मारता था। लेकिन ये जो मोतीगंज था मोतीगंज इसको इसको इसके बदले में मोतीगंज इसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता था। हालांकि अगर मोतीगंज चाहता वो इसको ट्रैम्पल भी कर सकता था। ट्रैम्पल का मतलब है यहाँ ट्रैम्पल भी एक लफ्ज आया है इसका मतलब है जो बाई टू क्रश बाई वॉकिंग। अगर मोतीगंज मामूली कदम उठाता क्योंकि उसका मालिक जो होता था वो शराब के नशे में होता था वो होश हवास खो जाता था और अपने इस हाथी को पीटता था इसके सामने वाले पैरों को इसके इसके सामने वाले पैरों को पीटता था। अगर मोतीगंज मामूली मामूली एक दो कदम स्टेप आगे जाता तो इसका ये जो मालिक जो है ये क्रश हो जाता ये इसके पैरों तले दब जाता। लेकिन ये समझता था ये जो मोतीगंज है इसकी समझ में ये आता था कि अगर मैं ऐसी हरकत करूंगा तो मेरे मालिक को नुकसान पहुंचेगा इसलिए ये बहुत ऐसे मौके पर बहुत ख्याल रखता था अपने मालिक का और अब हरकत नहीं करता था ताकि अपने मालिक को नुकसान न पहुंचे। तो इतनी इसमें ये खूबी थी। तो फिर जब दीसा को होश आता था तो दीसा इसके ट्रंक को पकड़ता था और फिर रोता था। जब जब इसका होश बराबर आता था तो ये समझता था कि मैंने कितनी गलती की और अपने इस हाथी के ट्रंक को पकड़कर फिर रोता था इसको एम्ब्रेस करता था यानी इसको गले लगाता था। तो इसके बाद ये जो है ये एक दिन क्या होता है एक दिन ये दीसा जब काम काम पर लगा था अचानक इसको शराब शराब याद आ गया। काम काम में इसको शराब याद आ गया ये इस प्लांटर के पास गया अपने मालिक के पास गया। जब अपने मालिक के पास गया और इसे कहा जनाब मेरी माँ जो है मेरी माँ उसकी डेथ हो गई। तो ये प्लांटर जो था प्लांटर ने कहा अरे आप क्या बोलता है पर साल जब आप मेरी लास्ट ईयर जब आप मेरे सामने काम करता था तो उस वक्त भी आपने कहा मेरी माँ उसकी डेथ हो गई है तो आज आज फिर आप यही बोलता है ये कैसे मुमकिन है। तो दीसा शर्मिंदा हुआ तो दीसा कुछ देर के लिए खामोश हुआ लेकिन लेकिन शराब का नशा था और शराब की बड़ी ये जो शराब इसको याद आया था क्योंकि आदि था शराब का तो इसने थोड़ी देर और आया और फिर कहा जनाब वो मेरी माँ नहीं थी वो मेरी आंट थी शिवाद मेरी शिवाद में आंट। तो उसने कहा कि वो मेरी आंट जो थी वो उसी तरह मेरी चाची जो थी वो मेरी माँ की शक्ल की जैसी थी इसलिए मैंने परसाल कहा था कि वो मेरी माँ गुजर गई असल में वो मेरी 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 आंट गुजर गई थी। तो अब मालिक ने कहा कि अच्छा बताओ कैसे आपको पता चला। तो दीसा ने कहा जनाब चिट्ठी आई है। तो मालिक ने देखा तो अपने उसने मालिक ने कहा कि देखो ये सारे पोस्ट अपने नौकर को बुलाया जरा जरा सारे पोस्ट देखो कितनी चिट्ठियां हमारे पास आई हैं। तो उसने कहा कोई चिट्ठी यहाँ नहीं है। कहा कि कोई पोस्ट आपके यहाँ नहीं है अगर कोई चिट्ठी आती तो पहले मेरे पास आ जाती आपकी चिट्ठी तो इसलिए आप झूठ बोलते हैं जाओ काम काम पर लग जाओ करो काम। तो अब ये अब काम करने को उसको जी नहीं लगता था क्योंकि ये शराब का ये आदी था। और फिर कहा जनाब मेरी मेरी ये जो मेरी जो बीवियां हैं वहां हमारे गांव में एक प्लेग आया है यानी एपिडेमिक आया है एपिडेमिक आया है एक वबा आई है उसमें मेरी तमाम बीवियां जो है मर गई हैं। तो मालिक ने कहा और उसने उसने शाउटिंग किया इसने जोर शोर से चलाया यल यानी शाउटिंग ही शाउटेड यानी जोर शोर से इसने चिल्लाया कि जनाब मेरी बीवी जो है वहां प्लेग आया है वहां बीमारी फैल गई है हमारे इलाके में और मेरी बीवियां बड़ी खराब हालत में हैं उनकी डेथ हो गई है इसलिए आप मुझे किसी न किसी तरह छुट्टी दीजिए। तो ये आज इसके इसके बारे में था थोड़ा
ये स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत हमने आपको जानकारी दे दी, तो अब हम थोड़ा यहाँ ये प्लांटर आप समझ गए इनकी तरफ देखेंगे, जो हमारे आज तक के सबक में जो ये वर्ड्स आए हैं इनकी तरफ हम जरा देखें। प्लांटर उसी को कह रहे हैं जो ओनर होता है, जो प्लांटेशन फील्ड का मालिक होता है, और ये जो मैनेजर होता है उसका, उसको हम कहते हैं प्लांटर। अब म्यूटिनियर किसको हम कहते हैं, जो वायलेंट हो जाता है, जो वायलेंट बन जाता है, जो अपने मालिक का हुक्म नहीं मानता है। यहाँ जो लिखा है मोती का म्यूटिनियर, म्यूटिनियर ये म्यूटिनियर जो कहा है कि ये मोतीगंज जो था ये कभी वायलेंट भी हो जाता था, वो हम आगे देखेंगे ये वायलेंट कैसे बना, तो इसलिए ये हम कहेंगे ये वायलेंट इसका मतलब है। वायलेंट स्टम्प्स, स्टम्प्स बोलते हैं जब एक दरख्त को हम काटते हैं फिर जो पार्ट रहता है जमीन में उसी को हम स्टम्प्स कहते हैं। और मेहाउट कहते हैं ड्राइवर को, जो कंट्रोलर होता है इन हाथियों का उसको हम मेहाउट कहते हैं। तो इसी तरह एब्सोल्यूट, यानी दिस मोतीगंज वाज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज ऑफिस मास्टर, इसके घर में सिर्फ यही एक उसकी प्रॉपर्टी थी। एक्सट्रीमली ड्रंक, यानी ये मोतीगंज था ये बहुत, जब ये खूब शराब पीकर इसको नशा शराब का चढ़ जाता था तो फिर ये अपने इस हाथी के फोर फीट को मारता था। इसी को हम कह रहे हैं व्हेन व्हेन द दीसा वाज एक्सट्रीमली ड्रंक ही वुड बीट 4 फीट ऑफ हिज 4 फीट ऑफ हिज एलिफेंट। टेंट पैग, ये टेंट पैग के जरिए से, टेंट का जो पैग होता है, जो हुक होता है, जो कभी आयरन का भी हो सकता है और कभी लकड़ी का भी हो सकता है, इससे इस टेंट पैग से अपने इस हाथी को ये मारता था। टेंडर नेल्स, यानी इसके नरम और नाजुक इन नेल्स को, हाथी के इन नेल्स को ये मारता था। एम्ब्रेस, यानी जब जब शराब पीने के बाद इसको होश आता था तो ये समझता था कि मैंने गलत किया और वो अपने इस हाथी को एम्ब्रेस करता था, इसको गले लगाता था। लिकर, लिकर हम कहते हैं ये जो एक ड्रिंक है ये जिससे इंसान को नशा चढ़ता है, तो इसको हम लिकर कहते हैं, जो ये हाथी को भी पीने को देता था और खुद भी इसका आदि था। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट का मतलब है आलीशान, शानदार, एक्सीलेंट। ये इसका हाथी जो था मोतीगंज जो था, इसके टस्क जो थे, टस्क TUSK, ये टस्क, टस्क जो हाथी के जो सामने वाले दांत होते हैं, वो लंबे लंबे दांत जो होते हैं वो, उसको हम टस्क बोलते हैं। पियर ऑफ टस्क, इसको बहुत अच्छे और शानदार ये टस्क थे, शानदार शानदार एक जोड़ा था टस्क का। मैग्निफिशेंट टस्क, यानी बहुत शानदार। शालो, यानी नॉट डीप, वह पानी में ये जब मोती दीसा जब अपने इस हाथी को पानी में दरिया में देता था तो मोतीगंज खुद वहां जाता जहां ज्यादा गहरा पानी नहीं होता था, ताकि मेरे मालिक को नुकसान पहुंचे या उसको हाथी को खुद नुकसान पहुंचे, इसको हम कहते हैं शालो। कॉयर स्वैब, तो कॉयर स्वैब भी हमने कहा एक वो जो एक ब्रश होता है उसमें जो वो जो कोकोनट के वो जो पीसेस होते हैं, जो हस्क होता है उसी से इसको हार्ड हार्ड वो होते हैं और उसी से इसको रब करता था। कॉयर स्वैब से वो अपने इस हाथी को रब करता था। हायर, हायर मीन्स ये जो इनको हायर करके प्लांटर लेबर्स को हायर करके लाता था, इनको वेज देता था ताकि ये इसके इन फील्ड को क्लियर करे। यानी ऑन पेमेंट, मेहाउट्स एलिफेंट्स वायर हायर बाय द प्लांटर फॉर क्लियरिंग द फील्ड। सुपीरियर बीस्ट, दिस मोतीगंज इज कॉल्ड द सुपीरियर बीस्ट। 4 फीट, सामने वाले इसके जो पैर थे, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल मीन्स क्रश। जब दीसा अपने इस हाथी को मारता था तो वो क्रश क्रश करता था इसके, वो हाथी इसको अगर क्रश करता तो हाथी अच्छी तरह से इसको दीसा को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन ये इसको ट्रैम्पल नहीं करता था, क्रश नहीं करता था, आगे चलकर दीसा को अपने पैरों तले नहीं लेता था। सोर, इंजरी, सोर में इंजरी, जब ये दीसा अपने इस हाथी को लेता था पानी में तो फिर पूरी तरह से इसकी बॉडी को एग्जामिन करता था कि कहीं इसको कोई जख्म नहीं, कोई इंजरी नहीं। इंस्पेक्शन, यानी पूरी बॉडी को इसे इंस्पेक्ट करता, ये इंस्पेक्शन यहाँ नाउन है, यानी अच्छी तरह से जांचना, अच्छी तरह से देखना, एग्जामिन करना। यल, यल बिन शाउटिंग,
यानी जब मालिक ने किसी न किसी तरह से दीसा को इजाजत नहीं दे दिया, परमिशन नहीं दे दिया, तो दीसा शोर करने लगा, ये ऊंची आवाज से कहने लगा, जनाब इस तरह हुआ है, जनाब इस तरह हुआ है। तो इस तरह ये आज ये जो है इस मोतीगंज मोनेस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा कुछ पढ़ा, और आगे हम और जाएंगे। और आपसे आप अपनी बुक को खोलकर इस लेसन को आप देखेंगे, और इन वर्ड्स को आप देखकर आप जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ये ठीक तरह से समझ आएगा कि हमने क्या पढ़ा आज। तो अस्सलाम वालेकुम, आज के लिए काफी है।